होने वाला होता है, तो एक्सोसाइटोसिस के समय क्या होता है कि हीमग्लूटिनिन प्रोटीन और साइटोप्लाज्म पे जो सैलिक एसिड रेसिड्यू है उसको कट करना पड़ता है, तभी वो वायरस फ्री होता है और फिर नेक्स्ट बैच ऑफ सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर ये हम लोग इनिबिटर्स देते हैं, न्यूरा अमीनिडेज इनिबिटर्स, तो क्या होगा, क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस हो चुका है, वायरस बाहर आ गया है, लेकिन क्या होगा, वो उसी से चिपका रहेगा, है ना? उसको क्लीव करने के लिए आपका कौन सा एंजाइम चाहिए? न्यूरा अमीनिडेज एंजाइम। तो उसको ये लोग इनिबिट करता है, तो इस वजह से वायरल फर्दर फ्रेश इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और सेल्टामावीर, जानामावीर और एक और ड्रग है पी से, पेरिमानावीर ऐसा कुछ करके, इन तीनों ड्रग में डिफरेंस यही है कि ओसेल्टामावीर ओरल अवेलेबल है, जानामावीर इनहेलेशनल रूट से अवेलेबल है। और इसको याद रखना भी इजी, ओसेल्टा ओ से ओरल, ठीक है, जानामावीर जेड से इनहेलेशनल ड्रग हो गया, और जो पेरामिनावीर है वो पारेंट्रल ड्रग है, आईवी ड्रग है, दैट कैन बी गिवन आईवी। तो अगर मान लीजिए किसी को सीरियस इन्फेक्शन होता है, बाहर जाओ यार, वाइट शर्ट, बाहर जाओ, उठो अभी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यार, टाइम क्यों लगा रहे हो? कॉर्नर वन, हाँ, वाइट शर्ट, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। तो हम लोग ओसेल्टामिविर ये सब का बात कर रहे थे, तो तीन डिफरेंट रूट से हम लोग इसको दे सकते हैं। आईवी ड्रग का ये फायदा है कि अगर सीवियर इन्फेक्शन है उस समय हम लोग चाहते हैं कि रैपिडली हाई कंसंट्रेशन अटेन हो। तो मान लीजिए अगर किसी को इन्फ्लुएंजा एंसेफेलाइटिस है, या मतलब कोई वाइटल ऑर्गन इन्फेक्ट हो चुका है, उस केसेस में हम लोग पेरिमनावीर यूज कर सकते हैं, बाकी केसेस में ओसेल्टामिविर ड्रग ऑफ चॉइस है। अच्छा, अब बात करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ, अच्छा, तीसरा जो क्लास ऑफ न्यू ड्रग है वो है बेलोक्सावीर। बेलोक्सावीर क्या करता है, इट इनहिबिट्स एंडोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लिएजेस जो है एंजाइम जरूरी होता है आपका एमआरएनए जो होता है, वायरल एमआरएनए, उसका रेप्लिकेशन के लिए, तो बेलोक्सावीर वहां पे टारगेट करता है। इन तीनों में इम्पोर्टेंट बात क्या है, चूंकि अमंटाडीन राइमेंटाडीन तो हम लोग यूज ही नहीं करते, ऑब्सोलीट हो चुका है, नीचे वाले जो ड्रग है दोनों टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स पे काम करते हैं, टाइप ए और टाइप बी। कितने स्ट्रेन्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के कितने स्ट्रेन्स होते हैं? तीन स्ट्रेन्स होते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ए और बी, इन दोनों पर ये दोनों ड्रग काम करते हैं। अब सबसे कॉमनली जो एपिडेमिक होता है, एंडेमिसिटी होता है, वो कौन सा टाइप करता है? टाइप ए, है ना? टाइप ए जो है वो मेनली एपिडेमिक करता है। और टाइप बी को क्या करता है, जो सीजनल स्पोरोडिक केसेस होता है वो टाइप बी के द्वारा होता है। इसका इंपॉर्टेंस है कि टाइप ए के जो मतलब वायरस है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस के चलते, किस प्रोटीन का स्ट्रक्चरल चेंजेस के चलते, हेमग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के चलते डिफरेंट सब टाइप्स बनता है, जैसे H1N1 आप लोग सुने होंगे, H5N1, ठीक है। तो टाइप ए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कवर करना, लेकिन ये दोनों ही कवर कर रहे हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं और प्रोफाइलेक्सिस में भी दे सकते हैं।
ये हम लोगों ने बात कर लिया था एमेंटाडीन राइमेंटाडीन का, कि इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया है, फ्लू के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंट इमर्ज हो चुका है करेंट स्ट्रेन के लिए, और पार्किंसन में यूज करते हैं, और ये भी बता दिया है कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर पाते क्योंकि इफेक्ट जो है लॉस्ट कर जाता है आफ्टर सम टाइम। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, तो आप लोगों को मालूम है कैटेगरी सी का मतलब क्या होता है? ये तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में पढ़े होंगे आप लोग, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप सी क्या होता है? अगर किसी पर टाइप सी लिखा है तो आप क्या बोलेंगे? कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको आप देंगे कि नहीं देंगे? क्या रिस्क इन्वॉल्व है? तो टाइप सी मतलब क्या होता है? एनिमल स्टडीज में टेराटोजेनिसिटी फाइंड किया गया है लेकिन ह्यूमन स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो अभी भी इनकंक्लूसिव डेटा है। तो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट आपका अमेंटाडिन राइमेंटाडिन, आप लोग पार्किंसन में पढ़े होंगे कि भाई सीएनएस टॉक्सिसिटी है, और लिविडो रेटिकुलरिस है जो कि एक मतलब कॉस्मेटोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट है। लिविडो रेटिकुलरिस क्या होता है? तो लिविडो रेटिकुलरिस क्या होता है कि आपका स्पाइडर जैसे वेब्स बन जाते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, स्किन में, ठीक है। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग जो है वो है न्यूरा अमीनिडेज इनिबिटर्स, जो कि ओसेल्टामाविर और हम लोग बात कर रहे थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इस क्लास ऑफ इन्फेक्शन के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि मतलब जो साइलिक एसिड रेसिड्यू है उससे बाइंड कर जाता है, उसको क्लीव करने का काम न्यूरोमिनिडेज करता है। अगर क्लीव नहीं होगा तो फ्रेश इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है न्यूरोमिनिडेज इनिबिटर्स का। अब इनको अगर कंपेयर करें ओसेल्टामाविर, जानामाविर और तीसरा पेरिमानाविर, जो ये तीन ड्रग्स जो है, और सेल्टामावीर फर्स्ट लाइन ड्रग है, बाकी जो दो है वो हम लोग तब यूज करते हैं, एक जब सीवियर इन्फेक्शन है, दूसरा जब रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है। और सेल्टामावीर रेजिस्टेंट इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन के समय हम लोग जानामावीर और दूसरे ड्रग यूज करते हैं, नहीं तो कॉमनली ओसेल्टामावीर यूज किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इसका आप वो देखेंगे लेबल और पैकेज इंसर्ट, पैकेज इंसर्ट आता है हर दवाई के साथ में, है ना? हर दवाई के साथ में एक पैकेज इंसर्ट आता है जिसमें लिखा होता है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अगर उसको देखेंगे तो उसमें लिखा होगा माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन और विद इन 2 डेज ऑफ इन्फेक्शन आपको यूज करना है, उसके बाद आपको इनइफेक्टिव बताते हैं, या मतलब यूज नहीं करना है। इंडिकेशन जो एफडी अप्रूव्ड है वो यही है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रीटमेंट दे देना है सेम प्रोफाइल एक्सेस के लिए। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है कांटेक्ट में आ गया इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड पेशेंट के, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर प्रोफाइल एक्सेस स्टार्ट कर देना है, 2 दिन के अंदर अंदर प्रोफाइल एक्सेस जो है स्टार्ट कर देना है। लेकिन क्या होता है, दवाई का जरूरत जो है इन्फ्लुएंजा के केस में किसको होता है सबसे ज्यादा? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो कि सीवियर इन्फेक्शन जिनमें होता है। अब यहाँ पे ये बताया है कि इंडिकेशन ये माइल्ड टू मॉडरेट, तो और जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि हम लोग सीवियर इन्फेक्शन वाला में आफ्टर 2 डेज भी दे सकते हैं, उसके देने के बाद भी साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन के रेट, ये सब सब रिड्यूस हो जाएंगे। ये सारा रिडक्शन होगा साइन एंड सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन रेट। तो आफ्टर 2 डेज आप किस टाइप के पेशेंट में दे सकते हैं इसको? सीवियर इंफेक्शन या कोई मतलब ऐसा इंडिविजुअल है जो कि मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। साइड इफेक्ट्स जो है इसका आप लोगों का फेवरेट है नौसिया वॉमिटिंग, ये सब, तो ये आप लिख सकते हैं नौसिया वॉमिटिंग। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम बता ही दिए। रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है इन्फ्लुएंजा वायरस। मान लीजिए अभी ओसेल्टामावीर जो है रेजिस्टेंट आ रहा है, नया जो इन्फेक्शन आएगा उसमें जैनामावीर रेजिस्टेंट होगा, ओसेल्टामावीर नहीं होगा, तो ये चेंज होते रहता है, शिफ्ट और ड्रिफ्ट
जब माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे तो ये चेंज होते रहता है, तो उस समय क्या मतलब पैटर्न है उसके हिसाब से मेडिकेशन जो है डिसाइड होता है। ज़ानामाइविर चूंकि हम लोग इनहेलेशनली लेते हैं, तो इनहेलेशनली क्या होता है, ये ड्राई पाउडर फॉर्म में होता है। तो ड्राई पाउडर हम लोग कैसे लेते हैं इनहेलेशनली? रोटा हेलर, तो रोटा हेलर आता है इसका, ज़ानामाइविर का। तो ड्राई पाउडर जब भी लेते हैं, कोई भी ड्राई पाउडर इनहेलर लेते हैं, तो हमेशा उसके साथ कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, विदाउट कोई भी ड्रग से मतलब नहीं है, चाहे कोई भी ड्रग हो। वो क्या है, क्योंकि ये ड्राई पाउडर वहां जाकर के डिपोजिट होते हैं ब्रोंकाई में और इरिटेट करते हैं, जिसके चलते आपका ब्रोंकोस्पाज्म और नेसल एंड थ्रोट डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये किसी में भी लिख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रग्स। तो इसलिए ये किस टाइप के इंडिविजुअल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? अस्थमेटिक इंडिविजुअल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ज़ानामाइविर नहीं दे सकते आप। अच्छा, अब इन्फ्लुएंजा और इतना हम लोग बात किए हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ओरल ड्रग है जो ट्रीट करते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा को, न्यूरामिनिडेज एंजाइम है, 2 दिन के अंदर लेना है, और सेल्टामोलिन। इसका 72 ओल्ड है, मतलब ये ओल्ड एज पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपके पास आ रहा है क्लिनिक पे कि आउटब्रेक जैसा हो रखा है उसके रेसिडेंट्स, मतलब जो नर्सिंग क्लिनिक में जहाँ पे वो है, तो उस समय प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप क्या ड्रग देंगे? और सल्टामोलिन। तीसरा, ज़ानामाइविर है ना, तो ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ड्रग कहाँ से मतलब काम करता है। तो हर्पीस के सॉरी इन्फ्लुएंजा के बाद हम लोग एंटी हर्पीस वायरस में आते हैं। हम लोग बता दिए कि यहाँ पे हर्पीस का मतलब है हर्पीस फैमिली, ठीक है, और उसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं। तो आइडोक्सीरिडिन जो सबसे पहला ड्रग था, और ट्राइफ्लुरिडिन, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इनको जरूरत नहीं होता है कन्वर्ट होने का। हम बताए थे जो ज्यादातर ड्रग है ये सब न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स ही है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। तो नॉन स्पेसिफिक मतलब होस्ट सेल को भी उतना ही डैमेज करेगा जितना कि आपका वायरल रेप्लिकेशन को, तो इस वजह से ये टॉपिकल ही अवेलेबल है। अब टॉपिकली अवेलेबल है आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट में, तो इनको कहाँ यूज करते हैं? कॉर्नियल इन्फेक्शन में, हर्पिस सिंप्लेक्स केराटाइटिस के केस में, ठीक है। तो अगर हर्पिस सिंप्लेक्स केराटाइटिस है तो ये दोनों ही ड्रग इक्वली इफेक्टिव है। अब क्या है कि मान लीजिए कॉर्निया के डीपर लेयर में इन्फेक्शन है, यानी स्ट्रोमा में है ना, तब आप कौन सा ड्रग यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए? हर्पिस सिंप्लेक्स केराटाइटिस सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। सुपरफिशियल के लिए ये ड्रग अच्छा है, लेकिन ये इतना लिपिड सॉल्यूबल नहीं होता है, तो इसके चलते अगर मान लीजिए डीप स्ट्रोमल इन्फेक्शन है, तो कौन सा ड्रग यूज करना चाहिए टॉपिकली? ए साइक्लोवीर, ठीक है। तो ए साइक्लोवीर आपका सुपरफिशियल पे भी काम करेगा और डीप में भी काम करेगा। तो हम लोग ए साइक्लोवीर पे आते हैं कि ए साइक्लोवीर जो ड्रग है मेनली आपका यूज होता है हर्पिस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, बाकी में अनइनफेक्टिव है ये ड्रग। तो ये प्योर एंटी हर्पिस सिंप्लेक्स ड्रग है, और इसी का कंजेनर है वेल ए साइक्लोवीर। वेल ए साइक्लोवीर क्या है, क्योंकि ए साइक्लोवीर के साथ प्रॉब्लम क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का, बायो अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है ए साइक्लोवीर का। तो वेल ए साइक्लोवीर बनाया गया जो कि एक्चुअली में प्रो ड्रग है, और जिसके चलते बायो अवेलेबिलिटी काफी बढ़ गया, जिसके चलते क्या हुआ, ए साइक्लोवीर को दिन में किसी को चिकन पॉक्स या ये हुआ है जब ए साइक्लोवीर चला हो उसको?
यहाँ किसी को चिकन पॉक्स में ए साइक्लोवीर ये सब कुछ चला है? तो आप देखेंगे कि ए साइक्लोवीर जब चलता है तो 4 to 5 times a day चलता है। वो इसीलिए क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी इसका बहुत कम है। लेकिन वेल ए साइक्लोवीर जो है इसका बायोअवेलेबिलिटी हाई होने के चलते हम लोग लेस फ्रीक्वेंट डोसिंग कर सकते हैं, ये फायदा है। लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो ऐसा नहीं हो कि आप ट्रीटमेंट करने जाए अब वेल ए साइक्लोवीर लिख दिया पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो उसका भी फायदा नहीं है। फेम सिक्लोवीर अगेन एंटी हर्पिस सिंप्लेक्स एजेंट है, कुछ एस्पेक्ट में डिफर करता है। नीचे के जो ड्रग्स है गैन सिक्लोवीर, वेल गैन सिक्लोवीर, सीडोफोबी और फॉस्कार्नेट, ये मेनली साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन के बारे में माइक्रो में पढ़ाई हो गया है। तो साइटोमेगेलो वायरस मोस्टली किसको इन्फेक्ट करता है? साइटोमेगेलो वायरस जो है मोस्टली किसको इन्फेक्ट करता है? किसको इन्फेक्ट करता है? ये जो हम लोग के यहाँ ट्रांसप्लांट होते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में साइटोमेगेलो वायरस इन्फेक्शन जो है डिजीज कॉज करता है। बाकी के केस में इन्फेक्शन जो है एसिम्टोमेटिक होता है। तो उन केसेस में ये यूज होता है। लेकिन ये सारे ड्रग्स के साथ क्या है? ब्लैक बॉक्स वार्निंग है। ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या होता है? एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ रहता है लेबल के ऊपर, उसके अंदर वार्निंग लिखा हुआ होता है। लेकिन वो सिग्निफाई क्या करता है? अगर कोई दवाई के ऊपर ऐसा ब्लैक बॉक्स करके वार्निंग है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, तो क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स में रहता है ऐसा ब्लैक बॉक्स वार्निंग। तो ये सिग्निफाई करता है कि इस ड्रग को आप तभी यूज करें जब बिल्कुल ही अर्जेंट इमरजेंट नीड है। माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शन में ट्रीट नहीं करना है। अगर सीवियर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है, सीवियर इन्फेक्शन है, यूज नहीं करना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है, उन केसेस में ये ड्रग्स को यूज करते हैं। ब्लैक बॉक्स वार्निंग का मतलब है ऑलमोस्ट एफडीए जो है उसको बंद करना चाहता था, लेकिन चूंकि कुछ लोगों को जरूरत है तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग दे करके उसको मार्केट में निकाला गया है। तो आप समझ रहे कि ब्लैक बॉक्स वार्निंग अगर किसी ड्रग के साथ आता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है। गैन सिक्लोवीर और वेल गैन सिक्लोवीर जो है, अब आप समझ गए वेल गैन सिक्लोवीर क्या है। प्रो ड्रग है गैन सिक्लोवीर का, वो भी क्यों? ये भी आपका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है और कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। सीडोफोबी और फॉस्कार्नेट जो है ये हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। इसीलिए जब भी कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग चालू करते, जैसे एंटी फंगल हो गया है, एंटी फंगल नहीं हुआ है, तो कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हम लोग जब चलाते हैं तो हम लोग पेशेंट में क्या करते हैं? पहले रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग चलाने के पहले बताइए, पहले? हाँ, आरएफटी तो कराएंगे, क्योंकि अगर हम लोग को लगता है कि डिरेंज है तो डोज रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा। और कुछ? हाँ, प्री हाइड्रेशन आपको करना पड़ेगा, है ना? वो मतलब आपका ओरल इंटेक से नहीं होगा, वो आपका इन्फ्यूजन चलाना पड़ेगा और प्री हाइड्रेट करना पड़ेगा पेशेंट को। क्योंकि मोस्टली जो इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी का कॉज है वो क्या होता है? क्रिस्टल यूरिया, ठीक है? तो क्रिस्टल यूरिया क्रिस्टल कब बनता है? प्रेसिपिटेट होता है जब सॉलिबिलिटी कम हो जाता है। तो इसलिए हाई वाटर इंटेक जरूरी है। और सीडोफोवीर के साथ में प्रोबिनिसिड जो है वो भी चलाना पड़ता है। प्रोबिनिसिड क्या करता है? गाउट में आप लोग पढ़ चुके हैं,
क्या करता है? हाँ, कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है? ब्लॉक करता है ट्रांसपोर्टर को। तो प्रोबिनिसिड जो है ये क्या करता है, इसका भी ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि केमिकली ये क्या है, चलिए, ब्लॉक कर देता है। इतने समझ गए आप लोग? तो इसके साथ में आपको प्रोबिनिसिड भी चलाना होगा। तो एक आपको समरी समझ में आ गया एंटी हर्पिस वायरस ड्रग का, कि भाई कौन सा ड्रग क्या है, कहाँ यूटिलाइज होता है और क्या प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। आइडोक्सीडिन टॉपिकली अवेलेबल है, यूज करते हैं केराटाइटिस में। अच्छा, एसाइक्लोवीर जो है आपका ओरली अवेलेबल है, टॉपिकली अवेलेबल है और आईवी अवेलेबल है। इसीलिए हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का सीवियर इन्फेक्शन अगर होगा तो आप एसाइक्लोवीर यूज करेंगे कि गैनसिक्लोवीर यूज करेंगे? एसाइक्लोवीर, क्योंकि ये पारेंट्रली भी दे सकते हैं। ये वन ड्रग है हर्पिस सिंप्लेक्स में जो पारेंट्रली दे सकते हैं। तो सीवियर इन्फेक्शन में ये यूटिलाइज करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि आप देख रहे हैं कि ये मतलब न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है जो कन्वर्ट हो रहा है। पहले मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड से कम्पीट करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन को हॉल्ट कर देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन जनरल कोई भी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड या मतलब आपका प्यूरिन पिरिमिडिन एनालॉग है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। ये सब हम लोग बात कर लिए थे। बायोअवेलेबिलिटी कम है इसका। यूजेस पे हम लोग बात करते हैं कि मतलब क्या यूजेस है। तो हर्पीस इन्फेक्शन में हर्पीस डिफरेंटली टिश्यू को इन्फेक्ट कर सकता है, जेनाइटल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, आपका कॉर्निया को इन्फेक्ट कर सकता है, आपका ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं ब्रेन में एसाइक्लोवीर सिंपल लिखा हुआ है क्योंकि यही आईवी अवेलेबल है। और चिकन पॉक्स और वेरिसेला जोस्टर के केस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिकरेंट हर्पिस वायरस के केस में ओरल ड्रग इज इन इफेक्टिव, तो वापस हम लोग को पारेंटली यूज करना पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रीनल डिसफंक्शन। तो रीनल डिसफंक्शन इसका, और इसमें भी आपको हाइड्रेशन देना पड़ेगा। एंटी हेपेटाइटिस ड्रग में हम लोग बात कर लिए थे कि नॉन स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक राइबावेरिन इंटरफेरिन अल्फा है और बाकी सब स्पेसिफिक ड्रग है। हेपेटाइटिस बी के केस में कॉम्बिनेशन थेरेपी पहले चलाया गया था कि डिफरेंट ड्रग्स को कंबाइन करें तो क्या इफेक्ट आएगा। तो देखा गया कोई सुपीरियरिटी नहीं है, तो हम लोग उसको सिक्वेंशियली यूज करते हैं। सिक्वेंशियली मतलब एक ड्रग यूज किया, रेजिस्टेंट इमर्ज कर लिया, उसको विद्रॉ किया, दूसरा यूज किया। कब ट्रीटमेंट का एम क्या होता है? ट्रीटमेंट का एम है सेरो कन्वर्शन, और ये सेरो कन्वर्शन शुड लास्ट टिल 6 मंथ, तभी आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल कहा जाएगा। ये सारे ड्रग है जो न्यूअर ड्रग्स है। दो फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटेकावीर और टेल्बीविडिन। ये क्यों है? एफिकेसी हाई है, रेजिस्टेंस का चांस कम है, इस वजह से ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। बाकी दोनों सेकेंड लाइन ड्रग है, जस्ट अपोजिट उसका बात है। हेपेटाइटिस सी में आपका जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, एम क्या है, वापस सप्रेशन करना है आपका वायरल रेप्लिकेशन को अनडिटेक्टेबल लेवल पे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी 12 से 24 महीने का होता है। जाहिर सा बात है 24 महीने का थेरेपी में ज्यादा सक्सेस रेट मिलता है। तो हम बता ही दिए थे जो इंडिया में यूज हो रहा है वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, राइबावेरिन प्लस इंटरफेरन अल्फा। इंटरफेरन अल्फा के ऊपर अगर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लगा दे तो वो बन जाता है पेग इंटरफेरन अल्फा। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल बढ़ाने से क्या फायदा होता है, टी हाफ बढ़ जाता है, तो बार बार इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बाकी डेवलप कंट्रीज में न्यूअर ड्रग्स यूज करते हैं। राइबावेरिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसका मतलब ये क्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है ड्रग, एक्यूमुलेट होता है, तो इसीलिए, और ये टेराटोजेनिक है, तो इसीलिए अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो स्टॉप करने के 3 महीने तक उसको एडवाइस करना है कि शी शुड नॉट बिकम प्रेग्नेंट।
इंटरफेरिन अल्फा आप लोग पैथोलॉजी में पढ़े ही, क्या होता है, साइटोकाइन होता है। इसका नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट्स होता है वायरल रेप्लिकेशन पे, ट्यूमर लाइसिस में। और इसी तरह इंटरफेरिन अल्फा मतलब आपके मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन पे काम करता है, और ये ब्लॉक करता है मल्टीपल स्टेप आपका पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, असेंबली। यूजेस आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है तो मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन में यूज होता है और कैंसर में भी यूज होता है, क्योंकि इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी कैंसर सेल्स को एलिमिनेट करना होता है। एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसका, इसीलिए मतलब खाली एक्सपर्ट्स लोग जो रहते हैं वो इसको यूज कर पाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है इस ड्रग को हैंडल करने का। ठीक है, तो हम लोग ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कवर कर लिए है। अटेंडेंस 1 to 10, फोर, निकलते जाइए, बताइए। थ्री, रोल नंबर 9, जाते जाइए। 8, 6, सेवन, 10, 2, 5, 11 to 20, 11, रोल नंबर 18, 16, 13, 19, 12, 17, 13, 15, 21 to 30, 21, 24, 22, 22, 28, 30, 26, 27, 25, 23, 31 to 40, 38, 33, 31, 37, 32, 36, 39, 40, 34, 41 to 50, बताओ यार किसका? हाँ, 12, 41, 50, 49, 46, 47, 44, 42, 43, 45, 48, 51 to 60, 51, 52, 53, 56, 55, 58, 60, 60, 61 to 70, 62, 70, 67, 63, 68, 65, 66, 69, 64, 61, 71 to 80, 71, 75, 76, हाँ भाई बोलो यार, कहाँ थे यार? हो गया, चलो लगा दिया, जाओ लगा दिया यार। सेवेंटी एट, 73,
सेवन, ठीक, 81 टू 90, 82, 89, 87, 90, 95, 85, 86, 81, 88, 83, 84, 91 टू 100, रोल नंबर 93, 100, 92, 94, 91, 96, 99, 98, 97, 101 से 110, रोल नंबर बोलते जाइए, हाँ 106, 104, 101, 108, 107, 102, 111 से 120, 114, 112, 119, 111, 120, 17, 115, 113, 116, 118, 121 से 130, 21, 130, 129, 125, 123, 128, 127, 122, 131 से 140, 131, 32, 36, ये एक मिनट रुक जाओ, और कौन है, इधर हो गया, हाँ 135, 134, 140, 137, 139, 133, 138, 141 से 150, 142, 146, 143, 141, 148, 147, 150, 145, 151 से 149, 144, 151 से 160, जाओ भीड़ मत लगा है यहाँ पर, 160, 152, 157, 59, 56, 61 to 70, 61, 62, 65, 63, 166, 167, 169, 170, 164, 174, 171 से 180, 171, 179, 78, 77, 75, अरे बोल दो यार, 180, 176, 173, 181 से 190, 81, 186, 189, 182, 183, 190, 184, 185, 188,
191 से 200, 195, 191, 196, 198, 200, 197, 194, 201 से 210, 201, बोलो यार, 208, 203, 204, 202, 206, 209, 210 से 20, 216, 213, 212, 214, 215, 211, 219, 218, 217, 221 से 30, 223। आप पहले भी बोल चुके हैं ना, 222, 230, 225, 227, 224, 221, 226, 228, 231 से 40, 237, 238, 239, 232, 233, 235, 251, 1 मिनट यार, आपका 243, हाँ बताइए, 251, 244, 246, 249, 247, 245, 250, 252, 59। कहाँ से आए थे? क्यों? तो घर गए तो लेट क्यों हो गए? अच्छा, साढ़े छः बजे निकलने, क्या नंबर है? अगले बार से मत करना।